गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा आज का जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 9, क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन जो टर्म है, हमने जो पीछे चैप्टर्स किए हैं वहाँ पे कई बार ये जो टर्म है वो रिपीट हुई है, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन है कमर्शियल बैंक्स का। क्रेडिट क्रिएशन होता क्या है? क्रेडिट क्रिएशन समझने से पहले दो टर्म्स समझना ज़रूरी है, दैट इज़ प्राइमरी डिपॉजिट एंड सेकेंडरी डिपॉजिट्स क्या होते हैं। जब आप बैंक के पास जाके अकाउंट अपना ओपन करते हैं और उसमें आप अमाउंट डिपॉजिट करवाते हैं कैश में, तो वो होता है आपका प्राइमरी डिपॉजिट। बैंक जब उस प्राइमरी डिपॉजिट में जो आपने कैश जमा करवाया है, सपोज़ आपने करवाया 1000 रुपीज़, उस 1000 रुपीज़ में से कुछ कैश अपने पास रख के, जिसे कैश रिजर्व रेशो हम कहते हैं, जो ज़रूरी होता है जो बैंक की कंडीशंस हैं उसको फुलफ़िल करने के लिए, बाकी का जो अमाउंट है वो लोन की फॉर्म में दूसरे पर्सन्स को दे देता है। तो वो जो लोन की फॉर्म में उसने दूसरे पर्सन्स को अमाउंट दिया, अब जिस भी पर्सन के पास लोन वो गया, वो उसके पास कैश में नहीं जाता है। बैंक क्या करता है, जब लोन देता है पर्सन को, तो वो उसका एक अकाउंट खोल देता है, लोन का अकाउंट, और उसे बोल देता है कि आपको जितना ज़रूरत है, जितना आपने लोन लिया है उसमें जितना आपको जब भी ज़रूरत है आप थ्रू चेक उसमें से निकलवा सकते हैं। अब जब बैंक को लोन मिला, बैंक ने लोन दिया और उस लोन को बैंक ने अकाउंट की फॉर्म में खोला, और जो पर्सन था वो सारी ट्रांजैक्शंस अपनी चेक के थ्रू कर रहा है, तो इसका मतलब वो जो चेक जब उसने किसी और थर्ड पार्टी को पेमेंट की, लोन लेके जो पर्सन है उसने किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट की और वो पेमेंट उसने चेक के थ्रू की, अब वो थर्ड पार्टी भी उस चेक को डिपॉजिट करवाएगी बैंक में। जब उस चेक को थर्ड पार्टी ने बैंक में डिपॉजिट करवाया, तो वो क्या क्रिएट हुआ, एक और डिपॉजिट क्रिएट हो गया। तो ये जो लोन की फॉर्म्स में आपने पैसा दिया और उससे डिपॉजिट क्रिएट हुआ, दैट इज़ योर सेकेंडरी डिपॉजिट्स। तो क्रेडिट क्रिएशन को हम सेकेंडरी डिपॉजिट में इंक्रीज ही कहते हैं। क्रेडिट क्रिएशन का मतलब है पावर बैंक्स की, जो उन्हें एनेबल करती है कि वो सेकेंडरी डिपॉजिट्स को एक्सपैंड कर सकें मोर देन देयर प्राइमरी डिपॉजिट, उसी को क्रेडिट क्रिएशन कहा जाता है। क्रेडिट क्रिएट करके जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो हेल्प करते हैं इन इंक्रीजिंग मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। मनी सप्लाई जब इकोनॉमी में इंक्रीज होती है, वॉल्यूम ऑफ करेंसी जो है सर्कुलेशन में इकोनॉमी में, वो भी इंक्रीज होगा, और वो इंक्रीज होगा किससे, जब क्रेडिट क्रिएट करेंगे कमर्शियल बैंक्स। तो जो करेंसी सर्कुलेट हो रही है इकोनॉमी में, उसे कंट्रोल करता है सेंट्रल बैंक, और ये डिसाइड होता है स्पेंडिंग बिहेवियर ऑफ द गवर्नमेंट से। क्रेडिट क्रिएशन जो है वो इन्फ्लुएंस होता है बाय द कमर्शियल बैंक्स। क्रेडिट क्रिएशन पावर कमर्शियल बैंक्स की डिपेंड करती है कैश रिजर्व रेशो पर, और वो जो कैश रिजर्व रेशो है वो डिसाइड करता है आपका सेंट्रल बैंक। क्रेडिट क्रिएट करके जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो सप्लाई ऑफ मनी जो है इकोनॉमी में, वो उसे इंक्रीज करते हैं, जिसका इफ़ेक्ट पड़ता है इकोनॉमी में लेवल ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर, कंजम्पशन के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर, और अकॉर्डिंगली जो प्रोसेस ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट है कंट्री की, वो इफ़ेक्ट होती है। तो अगर इनकी हम डेफिनेशन देखें, अकॉर्डिंग टू जी एन हेल्म, द क्रिएशन ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब सेकेंडरी डिपॉजिट, इज आइडेंटिटिकल विद व्हाट इज कॉमनली कॉल्ड द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। तो क्रेडिट क्रिएशन वो सिचुएशन है जहाँ पे जो बैंक्स ज़्यादा लोन देकर कंज्यूमर्स को, बिजनेस यूनिट्स को, जो अमाउंट ऑफ मनी है सर्कुलेशन में उसे इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ बेसिक कंसेप्ट्स जो रिलेट करते हैं क्रेडिट क्रिएशन से।
सबसे पहली जो टर्म है दैट इज़ डिमांड डिपॉजिट्स। ये वो डिपॉजिट्स होते हैं बैंक के पास जिन्हें जो डिपॉजिटर है वो कभी भी विड्रॉ कर सकता है ऑन डिमांड चेक इशू करके। इन्हें हम चेकिंग डिपॉजिट्स या चेकेबल डिपॉजिट्स भी कहते हैं। इन्हें हम ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं, डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में। एक है प्राइमरी या कैश डिपॉजिट जिसे हम कहते हैं, और दूसरा है सेकेंडरी या डेरिवेटिव डिपॉजिट्स। प्राइमरी और कैश डिपॉजिट जैसे अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि जो अमाउंट ऑफ डिपॉजिट कैश में पब्लिक करवा रही है बैंक में उसे हम कैश या प्राइमरी डिपॉजिट कहते हैं। इन्हें पैसिव डिपॉजिट्स भी कहा जाता है क्योंकि इन्हें क्रिएट करने का जो रोल है वो कमर्शियल बैंक्स के पास नहीं होता। जो अमाउंट है डिपॉजिट की वो टोटली डिपेंड करती है डिपॉजिटर के डिस्क्रिप्शन पर, उसकी मर्जी पर। सेकेंड है डेरिवेटिव और सेकेंडरी डिपॉजिट्स। जब भी कोई पर्सन बैंक को अप्रोच करता है लोन के लिए तो बैंक उसे लोन कैश में नहीं देता, उसके नाम से एक अकाउंट खोल देता है और उसे अलाउ होता है कि जितना भी अमाउंट उसे चाहिए वो उस अकाउंट से विड्रॉ कर सकता है चेक से। तो वो जो डिपॉजिट क्रिएट हुआ वो सेकेंडरी या डेरिवेटिव डिपॉजिट कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक लोन जो बैंक एडवांस कर रहा है वो एक नए डिपॉजिट को जन्म दे रहा है। डेरिवेटिव और सेकेंडरी डिपॉजिट रिजल्ट है प्राइमरी डिपॉजिट का, क्योंकि जो बैंक है जब वो सेकेंडरी डिपॉजिट क्रिएट करता है तो वो किस तरीके से क्रिएट करता है, जो प्राइमरी डिपॉजिट है उसके पास, जो कैश में डिपॉजिट है उसके पास रिजर्व में, उसी का एक जो पार्ट है वो सेकेंडरी डिपॉजिट में ट्रांसफ़र करता है। तो अकॉर्डिंग टू हेल्म क्रिएशन ऑफ सेकेंडरी डिपॉजिट इज क्रेडिट क्रिएशन। जितना ज़्यादा लार्जर अमाउंट बैंक एडवांस करेगा लोन की फॉर्म में उतना ज़्यादा जो सेकेंडरी डिपॉजिट है या लोन है वो क्रिएट होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि लोन्स क्रिएट डिपॉजिट्स एंड डिपॉजिट्स क्रिएट लोन्स। डिमांड डिपॉजिट्स को अगर हम फॉर्मूला की फॉर्म में देखें तो प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी और डेरिवेटिव डिपॉजिट्स इक्वल होता है डिमांड डिपॉजिट्स के। नेक्स्ट जो हमारी टर्म है दैट इज़ कैश रिजर्व रेशो। बैंक हमेशा मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना चाहता है एडवांसेस देके, लोन देके, लेकिन उसे लिक्विडिटी भी मेंटेन करनी होती है। बैंक में जब आप पैसा जमा करवाते हो तो आपके पास राइट है कि आपको जब भी पैसे की ज़रूरत है आप अपने अकाउंट से निकाल सकते हैं और बैंक उसके लिए मना नहीं करता। लेकिन प्रैक्टिकल चीज़ ये भी है कि बैंक में जो लोग पैसा डिपॉजिट करवाते हैं वो एक ही दिन में सारा पैसा नहीं निकालते, या सारे पर्सन्स एक ही दिन में सारा पैसा नहीं निकाल सकते हैं। तो जो बैंक है वो उन्हें पता होता है, अंदाज़ा वो लगा लेते हैं कि एक दिन में कितने लोग उनसे पैसा लेने आएंगे, कितने लोग पैसा बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं। जो बैंक है उसे हमेशा जो भी उसका टोटल अमाउंट डिपॉजिट है बैंक में कैश की फॉर्म में, जो भी उसके पास पैसा है उसे रखना पड़ता है डिपॉजिटर्स की नीड को फुलफिल करने के लिए, एज वेल एज जो आपका सेंट्रल बैंक है जो आरबीआई है उसने जो कैश रिजर्व रेशो की जो कंडीशन लगाई है उसको फुलफिल करने के लिए। तो जो कैश रिजर्व की रेशो होती है टोटल डिपॉजिट्स पे उसे हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशो। दैट पार्ट ऑफ टोटल डिपॉजिट जो बैंक रखता है अपने पास या आरबीआई के पास कैश में उसे हम कहते हैं कैश रिजर्व। तो जो रेशो है कैश रिजर्व की टोटल डिपॉजिट्स के ऊपर उसे हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशो। देन नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज एक्सेस रिजर्व्स। जो अमाउंट बैंक के पास है इन एक्सेस ज़्यादा है
किससे ज़्यादा है, जो भी रिक्वायर्ड कैश रिजर्व है उसे हम कहते हैं एक्सेस रिजर्व। बैंक्स इन एक्सेस रिजर्व को यूज करते हैं क्रेडिट को एक्सपैंड करने के लिए जब डिमांड जो है क्रेडिट की वो ज़्यादा होती है सप्लाई ऑफ क्रेडिट से, और जो इंटरेस्ट है लोन के ऊपर वो हाई होता है। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है दैट इज क्रेडिट मल्टीप्लायर। क्रेडिट मल्टीप्लायर का मतलब है रेशो किसकी, जो इंक्रीज हो रहा है टोटल डिपॉजिट्स में ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइमरी डिपॉजिट। अगर इंक्रीज इन प्राइमरी डिपॉजिट आपका हो रहा है 1000 रुपीज, तो आप क्रेडिट को इंक्रीज कर सकते हो टू द एक्सटेंड ऑफ 10,000 अगर जो आपका मल्टीप्लायर है वो 10 है। मतलब इनवर्स रिलेशनशिप है क्रेडिट मल्टीप्लायर और कैश रिजर्व रेशो के बीच में। तो क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है, 1 डिवाइडेड बाय कैश रिजर्व रेशो। ऐसे हम जैसे अभी हमने ऊपर बोला कि ये क्या है, रेशो है इंक्रीज इन टोटल डिपॉजिट्स में। डेल्टा डी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इंक्रीज इन टोटल डिपॉजिट्स को, एंड इंक्रीज इन प्राइमरी डिपॉजिट। डेल्टा पी जो है वो डोनेट कर रहा है इंक्रीज इन प्राइमरी डिपॉजिट को। एंटायर बैंकिंग सिस्टम में जो हो रहा है उसी को क्रेडिट मल्टीप्लायर कहा जाता है। ये इक्वल होता है टू द रेसिप्रोकल ऑफ कैश रिजर्व रेशियो, जो आर है दैट इज कैश रिजर्व रेशियो। नेक्स्ट जो ये क्रेडिट क्रिएशन है, ये जो पूरा प्रोसेस है उसके लिए कुछ एजम्पशंस हम मान के चल रहे हैं। अगर ये एजम्पशंस फुलफिल होंगी तभी आपका क्रेडिट जो है वो क्रिएट होगा। एजम्पशंस क्या है क्रेडिट क्रिएशन की, सबसे पहले सभी डिपॉजिटर्स जो भी उन्होंने बैंक में डिपॉजिट करवाया है फंड, वो एक ही टाइम पे सेम टाइम में नहीं निकालते हैं। दूसरा, बैंक कैश में नहीं देता है लोन का अमाउंट, बैंक कैश में पे नहीं करता है उस अमाउंट को जो उसने कस्टमर्स को लोन की फॉर्म में दिया है, वो उनके नाम से अकाउंट खोल देता है। तो जो क्रेडिट बैलेंसेस है वो बुक्स में जो है वो शो होता है। सभी बैंक्स मेंटेन करते हैं कैश रिजर्व रेशो को, बैंक एक्सपैंड करता है क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस रिजर्व्स, कोलेट्रल सिक्योरिटी फ्री फ्रॉम रिस्क होती है, कोई चेंज नहीं है क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी में सेंट्रल बैंक की। सभी बैंक्स एडवांस करते हैं अपने डिपॉजिट्स का एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन एज लोन, सभी बैंक्स रिसीव करते हैं प्राइमरी डिपॉजिट, और इनिशियल स्टेट ऑफ जो क्रेडिट क्रिएशन है वहाँ पे सभी बैंक्स के पास एक्सेस रिजर्व्स है। जो पेमेंट होती है ट्रेड और अदर ट्रांजैक्शंस के लिए वो थ्रू चेक करते हैं कंट्री में जो भी लोग हैं। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंडीशंस जो हैं कंट्री की वो नॉर्मल है। तो इसके साथ ये जो हमारा टॉपिक है अजम्पशंस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन वाला वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।